आज हमारे मनन चिंतन का विषय है सच्चा पश्चाताप क्या होता है और पश्चाताप का मतलब क्या है और पश्चाताप क्या है और कैसे करना चाहिए और पश्चाताप क्यों जरूरी है। हमने ये विषय इसलिए लिया कि आज हम सब पाप स्वीकार करने के लिए जाते हैं और हम पाप स्वीकार में अपने गुनाहों को स्वीकार करते हैं, लेकिन उन गुनाहों को हमारे जीवन से हम हटाते नहीं हैं। वही पाप हम दोहराते रहते हैं, उसी पाप में हम पड़े रहते हैं। क्या ये पश्चाताप है या नहीं, हम आज वचन में देखेंगे। हम सर्वप्रथम संत लूकस अध्याय 15 वाक्यांश 11 से 18 पढ़ेंगे। ईसा ने कहा, किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। छोटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी, संपत्ति का जो भाग मेरा है मुझे दे दीजिए। और पिता ने उनमें अपनी संपत्ति बांट दी। थोड़े ही दिनों बाद छोटा बेटा अपनी समस्त संपत्ति एकत्र कर किसी दूर देश चला गया और वहां उसने भोग विलास में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में भारी अकाल पड़ा और उसकी हालत तंग हो गई। इसलिए वह उस देश के एक निवासी का नौकर बन गया, जिसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने भेजा। जो फलियां सुअर खाते थे उसी से वह अपना पेट भरना चाहता था, लेकिन कोई उसे उनमें से कुछ नहीं देता था। तब वह होश में आया और यह सोचता रहा, मेरे पिता के घर कितने ही मजदूरों को ज़रूरत से ज़्यादा रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उनसे कहूँगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम सभी उड़ाव पुत्र के दृष्टांत से परिचित हैं। हम उड़ाव पुत्र के जीवन से क्या सीखते हैं? हम पढ़ते हैं बाइबल में कि वह अपनी धन संपत्ति लेकर एक दूर देश चला जाता है और वहां पर भोग विलास में सारी संपत्ति खो बैठता है और उसके बाद में उस देश में अकाल पड़ता है। अब उसके पास में तो धन है नहीं, अपने जीवन को कैसे वह चलाए, इसलिए वह वहां के एक निवासी के वहां पर नौकर का कार्य करता है और वह सुअर चराने का काम करता है। भूख की वजह से वह जो सुअर को खाना दिया जाता है वह खाने के लिए मजबूर हो जाता है, लेकिन वो भी नसीब में नहीं होता उसके। हम पढ़ते हैं वाक्यांश 17 में, वह होश में आया। किस चीज से होश में आया? कि वह जो कर रहा था, जो भी गलत संगति में, व्यभिचार में, शराब की लत में जो वह डूब गया था, क्योंकि भोग विलास का मतलब यही होता है। हम देखते हैं जब उसके पास में धन था वह पैसे उड़ाता रहा, गलत संगति में बढ़ता जा रहा था और वहां पे अकाल आ गया, सारी धन संपत्ति खत्म हो गई, कोई भी उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। आज हमें भी होश में आने की जरूरत है। वह होश में आया और वह कहता है कि मेरे पिता के पास में जो मजदूर कार्य करते हैं उनको भी उनसे अधिक रोटियां प्राप्त होती है। मतलब अगर दो रोटी चाहिए तो उनके नसीब में भी चार रोटी है, मतलब अधिक रोटी, अधिक खाना उनको मिलता है। उसके बाद में वह उठकर कहता है, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और मैं कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। उसे अपने पाप का बोध हुआ। आज हम जो गलतियां कर रहे हैं, हम जो पाप स्वीकार करने के लिए जाते हैं,
तब हम अपने हर एक गुनाहों को याद करते हैं और उन गुनाहों को हम पुरोहित को बताते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम अपने पापों को पुरोहित को बताते हैं तब वह पुरोहित नहीं वहां पर ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में वह बैठते हैं। वह पाप पुरोहित नहीं सुनता है, वह पाप ईश्वर सुनता है। आप जो पाप स्वीकार कर रहे हैं वह पाप क्या पूर्ण रूप से पश्चाताप है या नहीं? हम वही पाप बार बार दोहराते हैं। कोई क्रोध करता है, कोई वासना में है, कोई व्यभिचार के अंदर डूब रहा है, कोई गलत संगति में पड़ा हुआ है और हम पाप स्वीकार में जाकर स्वीकार करते हैं कि मैंने ये पाप किया है और ईश्वर हम पर दया करता है। फिर हम वापस से उसी पाप में पड़े रहते हैं और उसी पाप को वापस जाके स्वीकार करते हैं। क्या ये सच्चा पश्चाताप है? पश्चाताप का मतलब यह है? नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, पश्चाताप का मतलब हम उड़ाव पुत्र के जीवन में देखते हैं। वह भोग विलास में पड़ा हुआ था, गलत संगति में था, नशे में, व्यभिचार, वासना में, सब में पड़ा हुआ था। उसने अपने पिता को छोड़कर चला गया, पिता का अपमान किया, ईश्वर के विरुद्ध पाप किया, ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया। लेकिन हम देखते हैं वह होश में आया। वाक्यांश 17 में देखते हैं वह होश में आया। होश में आने का मतलब हुआ कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया कि आज तक जो कुछ मैं कर रहा था वह गलत था। और वह कहता है मैं अपने पिता के विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध मैंने पाप किया है। और वह अपनी गलती को स्वीकार करता है। हम इसाया का ग्रंथ अध्याय 30 वाक्यांश 15 में देखते हैं पश्चाताप और स्वीकृति में हमारा कल्याण है। जब उड़ाव पुत्र ने पश्चाताप किया, अपने गुनाहों को स्वीकार किया, हम देखते हैं जब वह अपने घर जाता है पिताजी दौड़ते हुए उसे गले से लगाते हैं। आज ईश्वर हमसे भी यही कहता है कि आप जो पश्चाताप करते हैं वह पूर्ण नहीं है। आज उस पश्चाताप में कुछ ना कुछ कमी है। पश्चाताप का मतलब है आप जिस पाप में पड़े हुए थे उस पाप के दलदल से, उस कीचड़ से आप पूरी तरीके से मुक्त हो जाएं। अगर आप वासना में है, पाप में पड़े हैं, आप उस पाप को स्वीकार करके, उस पाप को परित्याग करके एक नया जीवन व्यतीत करें। हम आगे एक वचन को देखेंगे, प्रेरित चरित्र अध्याय 3 वाक्यांश 19 वचन कहता है आप लोग पश्चाताप करें और ईश्वर के पास लौट आएं, जिससे आपके पाप मिट जाएं। किसके पास में लौट आए? ईश्वर के पास। और कैसे लौट आए? पश्चाताप के साथ। क्या आज हम पूर्ण रूप से प्रभु के पास में लौटते हैं? आज जो मैंने पश्चाताप किया वह गलती फिर से मैं दोहराता हूं। मैं जिस पाप में पड़ा हुआ था उसी पाप में आज भी पड़ा हुआ हूं। क्या यह पश्चाताप है? नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम संत पौलुस के बारे में देखते हैं जो कलीसिया को, प्रभु के शिष्यों को सताता था। वह प्रभु के शिष्यों से नफरत करता था, उसके अंदर उन लोगों के प्रति ईर्ष्या थी, क्रोध था। जब वह दमिश्क की ओर जा रहा था घोड़े पर बैठ के, प्रभु का प्रकाश पड़ा और वह जमीन पर गिर पड़ा। जब प्रभु अपनी वाणी से उसे कहता है साउल साउल तुम मुझे क्यों सताते हो, हम देखते हैं जब उसके जीवन में प्रकाश आया
वो जो कलीसिया से प्रभु के शिष्यों से जो नफरत करता था उसका जीवन बदल गया और प्रभु ने उसे एक महान व्यक्ति बना दिया और जिन लोगों को वो सताया करता था उनके साथ मिलकर वह सुसमाचार की घोषणा करने के लिए संसार के कोने कोने में निकल पड़ा। पश्चाताप का मतलब यह होता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो गलती उसने की उसको उसने स्वीकार किया, फिर उस गलती को दोहराया नहीं उसने। क्योंकि अगर हम उस गलती के साथ में जाएंगे, उस गलती को पुनः दोहराएंगे, यह पश्चाताप नहीं है। हम धनी युवक के बारे में देखते हैं, वह प्रभु के पास में जाता है और कहता है कि मैं आपकी हर एक आज्ञाओं का पालन करता हूं, उपवास करता हूं, सब कुछ करता हूं, लेकिन प्रभु कहता है तुम में एक बात की कमी है। प्रभु जानता था कि वह एक धनी युवक है और वह मुझसे ज्यादा उस धन से मोह रखता है, प्रेम करता है, और प्रभु कहता है तुम जाकर अपनी संपत्ति बेचकर आ जाओ। क्या वह लौटता है? नहीं, क्योंकि उसने पश्चाताप नहीं किया, उसने अपने गलती को स्वीकार नहीं किया। आज हम भी यही कर रहे हैं। ईश्वर आज हमें अवसर दे रहा है, मौका दे रहा है कि हम अपनी गलतियों को स्वीकार करें। आज हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी गलतियां हम दिन प्रतिदिन करते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो गलती नहीं करता है, लेकिन उस गलती को सुधार करने का, उस गलती को स्वीकार करने का अधिकार हमारे पास में है। हम देखते हैं उड़ाव पुत्र ने अपनी गलती को स्वीकार किया, उस गलती को, उस पाप को वह छोड़ के आ गया। पिता उसे गले से लगाता है, अपने प्रेम से भर देता है। जिस चीज की उसके जीवन में कमी थी उस कमी को दूर करके उसे ईश्वर दया करुणा दिखाता है। उसके लिए वह पिता एक बछड़ा मंगाता है और उसके लिए एक जश्न रखता है, क्योंकि जो बेटा मर गया था वह पुनः जी उठा है, वह वापस लौट आया है। आज ईश्वर हमसे ये चाहता है, ईश्वर हमें ये बताना चाहता है, बेटा और बेटी तुम क्यों अपने गुनाहों को छुपाते हो, क्यों तुम उस गुनाहों को स्वीकार क्यों नहीं करते हो, उन गुनाहों को आप अपने जीवन से हटाते क्यों नहीं हो, क्यों फिर से उसी गुनाहों में, उसी पाप में, उसी दलदल में क्यों फंसे हुए हो। पश्चाताप का मतलब ये नहीं है कि आप पाप को स्वीकार करें और पुनः उसी पाप में गिर जाएं। नहीं, हम प्रभु का वचन देखते हैं, यर्मिया अध्याय 31 वाक्यांश 34, मैं उनके अपराध को क्षमा कर दूंगा, मैं उनके पाप को याद नहीं रखूंगा। यदि ईश्वर हमारे पापों को याद नहीं रखता है तो क्यों आप उस पाप में फिर से पड़े हुए हैं? आप जो गुनाह स्वीकार करते हैं तुरंत प्रभु उसको सुनता है और उन गुनाहों को हमारे जीवन से दूर कर देता है, लेकिन हम उस गुनाह में वापस जाके गिर जाते हैं। हम ईश्वर के सामने 100 बार गुनाह करके जाएंगे, ईश्वर हम पर दया प्रकट करता है, दया दिखाता है, क्योंकि वह हमसे प्रेम करता है। आज कहीं ना कहीं हम जानते हैं मैं छोटा सा ये पाप करूंगा, कोई बात नहीं, ईश्वर क्षमा करेगा, ईश्वर दया दिखाएगा, लेकिन हम ये भूल गए यदि आप उस पाप को, उस गुनाह को स्वीकार करके उसे छोड़ देंगे, उसको त्याग देंगे, उसका परित्याग करेंगे, आपके जीवन में ईश्वर की कितनी बड़ी आशीष आएगी। जो व्यक्ति पौलुस कलीसिया को सताता था, प्रभु ने देखो उसके जीवन में कितना बड़ा कार्य किया।
जब हम अपने गुनाहों को सच्चे दिल से स्वीकार करेंगे, पाप का बोध होगा कि हाँ मैंने जो किया वो गलत है। उड़ाऊ पुत्र ने स्वीकार किया, उसे पश्चाताप हुआ कि हाँ मैंने स्वर्ग और अपने पिता के विरुद्ध पाप किया है। उसे पाप का बोध भी हुआ और उसने उस पाप को स्वीकार किया, जो भी मैंने किया है वह गलत किया है, और वह उस दलदल से निकला अपने पिता के पास में, क्योंकि उसको मालूम था कि पिता दया दिखाएगा। क्योंकि वचन कहता है प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 11 वाक्यांश 23, तू सब पर दया करता है क्योंकि तू सर्वशक्तिमान है। तू मनुष्य के पापों को इसलिए अनदेखा करता है कि वह पश्चाताप करे। आगे हम वचन में देखते हैं स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 130 वाक्यांश 4, तू पापों को क्षमा करता है इसलिए लोग तुझ पर श्रद्धा रखते हैं। उड़ाव पुत्र ने जब पश्चाताप किया, उस पापों को स्वीकार किया, प्रभु ने उस पर दया दिखाई, प्रभु ने अपने प्रेम से उसको भर दिया। जो पौलुस लोगों को सताया करता था, जेल में डाल देता था, जो प्रभु के शिष्यों से घृणा रखता था, जब प्रभु का प्रकाश उसके जीवन में गिरा, उसे पश्चाताप हुआ कि मैं आज तक जो कर रहा था, जो मैं अपनी बुद्धि पर घमंड कर रहा था, वह गलत था, मैंने पाप किया है। और वह सच्चे दिल से पश्चाताप करता है और प्रभु के बताए हुए मार्ग पर निकल पड़ता है। अगर प्रभु इतने बड़े पापी को, इतने बड़े गुनहगार को क्षमा कर सकता है, आपको भी क्षमा करेगा, और वह क्षमा करता है। लेकिन हमारा विषय यह है कि हम जो पश्चाताप करते हैं, क्या वह सही तरीके से हम पश्चाताप करते हैं। इन दोनों दृष्टांत में हम देखते हैं वो जो पाप में पड़े थे, जो गलतियां वह कर रहे थे, वह पुनः नहीं दोहराते। उस पाप को उन्होंने अपने जीवन से ही दूर कर दिया है, उन्होंने ईसा मसीह का स्वभाव धारण कर लिया। प्रभु ने कहा आप लोग पश्चाताप करें, ईश्वर के पास लौट आएं, जिससे आपके पाप मिट जाएं। वह ईश्वर के पास में लौट आए, उन्होंने पश्चाताप किया, जिससे उनके पाप मिट गए। आज हम जो पश्चाताप करते हैं, वह पाप मिटे नहीं है। हम पूरे मन के साथ, सच्चे दिल के साथ, एक पश्चातापी मन और हृदय के साथ में हम ईश्वर के पास नहीं जाते, हम जबरदस्ती जाते हैं, कुछ पापों को हम छुपा देते हैं, कुछ पापों को कहने से डर लगता है, क्योंकि हमारे जीवन में इतने बड़े बड़े पाप हैं। लेकिन आप ये भूल गए हैं कि वो ईश्वर करुणा में है, वह दया दिखाना चाहता है आपके जीवन में, वह आपके जीवन में अपनी कृपा, अपनी दया बरसाना चाहता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज आपके अंदर जो पाप भरा हुआ है, जो आप किसी को कह नहीं पा रहे, बता नहीं पा रहे हैं, उसकी वजह से आप अपने आप को नष्ट कर रहे हैं, आपके जीवन में आशीष नहीं होने का कारण है, क्योंकि आप बोझ से दबे हुए हैं। प्रभु का वचन कहता है मत्ती 11:28, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अपना अपना पाप लेकर प्रभु के पास में हमें जाना है, ताकि ईश्वर हमारे बोझ को स्वीकार कर ले और वह हमें शांति दे, पाप से मुक्त करे। प्रभु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सच्चा पश्चाताप ये है। सच्चा पश्चाताप आप जिस पाप में हैं, उस पाप से पूर्ण रूप से आजाद हो जाएं, आजाद, ये है पश्चाताप। एग्जाम्पल के लिए मैं कहता हूं कि मैं शराब पीता था और मैंने जाके पश्चाताप किया कि हाँ प्रभु, मैं जो शराब पीता था वह गलत था,
उसकी वजह से मैंने आपकी आज्ञाओं का उल्लंघन किया है। और जब मैं पश्चाताप के लिए ईश्वर के पास में गया, पुरोहित के पास में, और ईश्वर पुरोहित के द्वारा मेरे पाप को क्षमा कर चुका है, और मैंने वह शराब पीना बंद कर दिया, ये है पश्चाताप। लेकिन आज हम जो कर रहे हैं वह पश्चाताप नहीं है। आप शराब पीते थे और आज भी पी रहे हैं, ये पश्चाताप नहीं है मेरे प्यारे भाई और बहनों। आज ईश्वर हमें नया मौका, नया अवसर दे रहा है कि हम पूर्ण रूप से सच्चे दिल से पश्चाताप करें। हम वचन में देखते हैं इब्रानियों अध्याय 10 वाक्यांश 22, हम अपने हृदय को पाप के दोष से मुक्त कर और अपने शरीर को स्वच्छ जल से धोकर निष्कपट हृदय से तथा परिपूर्ण विश्वास के साथ ईश्वर के पास चले। हम इस वचन को एक बार फिर से दोहराएंगे, हम अपने हृदय को पाप के दोष से मुक्त कर और अपने शरीर को स्वच्छ जल से धोकर निष्कपट हृदय से तथा परिपूर्ण विश्वास के साथ ईश्वर के पास चलें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम वचन में देखते हैं हम अपने हृदय को पाप के दोष से मुक्त कर, अपने शरीर को स्वच्छ कर। स्वच्छ कर मतलब स्वच्छ जल से धोकर निष्कपट हृदय से तथा परिपूर्ण विश्वास के साथ ईश्वर के पास चले। आज ईश्वर हमें बुला रहा है मेरे प्यारे भाई और बहनों। आज हम में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सालों से पश्चाताप नहीं किया है, पाप स्वीकार नहीं किया है, उनको अपने पाप का बोध नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर आज हमें एक नया मौका दे रहा है, एक नया अवसर दे रहा है। हम वचन में पढ़ते हैं स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 103 वाक्यांश 12, पूर्व पश्चिम से जितना दूर है प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना ही दूर कर देता है। जब हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं, हमें एहसास होता है, पाप का बोध होता है कि मैंने जो किया है वह गलत किया है, ये पश्चाताप है, और मैं फिर ये गलती नहीं दोहराऊंगा, इस पाप को मैं फिर कभी नहीं करूंगा, ये स्वीकार है। आज ईश्वर चाहता है आपने कितना भी बड़ा पाप क्यों नहीं किया हो। हम धन्य सिस्टर रानी मरिया को, जिन्होंने जिस व्यक्ति ने मारा था, सिस्टर रानी मरिया की बहन ने और उनके परिवार ने उन्हें क्षमा कर दिया। मनुष्य के सामने उन्होंने उस व्यक्ति को स्वीकार किया, उस पर दया दिखाई, चाकू से वार कर करके उनकी हत्या की गई थी। हम सब सिस्टर रानी मरिया के बारे में जानते हैं। जिस व्यक्ति ने उनकी हत्या की, उस व्यक्ति को उनके परिवार वालों ने क्षमा किया, उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने जो किया वह पाप है, अपराध है, वह क्षमा के लायक नहीं है। किंतु हम देखते हैं कि ईश्वर ने उस पर दया दिखाई, सिस्टर रानी मरिया के परिवार वालों ने उसे स्वीकार किया, आज वह व्यक्ति उनके साथ में है। उन्होंने जो गलती की, उस गलती को उन्होंने स्वीकार किया, और आज वह एक पश्चातापी व्यक्ति के रूप में एक जीवन जी रहे हैं। उन्होंने जो किया वह अपराध है, गलती है, उसको स्वीकार किया। माफ करने वाला बड़ा होता है। उनके परिवार वालों ने उनको क्षमा किया, उनको माफ किया, आज वह व्यक्ति एक नया व्यक्ति बन गया है, वह एक नया जीवन जी रहा है, उसने वह गलती पुनः नहीं दोहराई,
जो ईर्ष्या, जो घृणा, जो क्रोध उसके अंदर कार्य कर रहा था, जो पाप उसके अंदर कार्य कर रहा था, वह फिर उस पाप में वापस से नहीं लौटा। यह है सच्चा पश्चाताप। आज ईश्वर हमसे भी यही चाहता है, जो भी पाप आपने किए हैं उसको सच्चे दिल से स्वीकार करके प्रभु के पास में ले जाएं और पुरोहित के पास जाकर हर एक पाप को स्वीकार करें। चाहे आपके अंदर दूसरों के लिए घृणा हो, ईर्ष्या हो, नफरत हो, आप दूसरों को भला बुरा बोलते हो, माफ नहीं करते हो, गालियां बकते हो, नशा करते हो, व्यभिचार करते हो, गलत संगति में पड़े हुए हो, आप प्रभु के पास में जाए और अपने हर एक गुनाहों को, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हर एक गुनाहों को आप स्वीकार करें। आप जब सच्चा पश्चाताप करेंगे, आपको अपने पाप का बोध होगा, आप देखना आपको इतनी शांति मिलेगी, आपको ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव होगा, आपको आश्वासन मिलेगा, आपको ईश्वर की ओर से सांत्वना मिलेगी, एक विशेष अनुभव आपको प्राप्त होगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम सब कहीं ना कहीं पाप के बोझ से दबे हुए हैं। उन्हीं पापों को हम दिन प्रतिदिन अपने साथ में लेते जा रहे हैं और वह पाप पनप रहा है, बढ़ता जा रहा है। दूसरों को क्षमा नहीं कर पा रहे, दूसरों को स्वीकार नहीं कर पा रहे, दूसरों को गंदी नजर से देख रहे हैं। वही शराब, वही सिगरेट, वही नशा हम फिर से कर रहे हैं। आप ईश्वर से कहिए, ईश्वर मैंने आपके विरुद्ध पाप किया है, आपको होश में आने की जरूरत है। आज ईश्वर हमें यह अवसर दे रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर आज अपनी दया हम पर प्रकट करना चाहता है। प्रभु क्या कहता है, हम वचन में देखते हैं, संत मत्ती अध्याय 9 वाक्यांश 13, मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूं, मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूं। प्रभु पापियों को बुलाने आया है ताकि वह पश्चाताप करे, एक नया जीवन जिए। प्रभु आपको बुलाने आया है, हम सबको बुलाने आया है, एक नया जीवन देने के लिए, एक नई आशीष, एक विशेष अनुग्रह आप पर प्रकट करना चाहता है। आइए हम अपने हर एक अपराधों को स्वीकार करें और आज ये प्रण ले, मैं अपने हर एक पापों को लिखित रूप से, हर एक पापों को आप लिखकर प्रभु के पास में जाए, हर एक पापों को अच्छी तरीके से पश्चाताप कीजिए और प्रभु से कहिए, प्रभु मेरे हर एक पाप को आप मुझे याद दिलाए, मैंने जिस जिस क्षण जिनको भी दुख पहुंचाया है, जिनके साथ भी गलत किया है, मैंने कौन कौन से पाप किए, यदि मैं भूल गया हूं तो पवित्र आत्मा मुझे याद दिला। आप जब एक सच्चा पश्चाताप करेंगे, आप पापों को, हर एक पाप को स्वीकार करेंगे, मैं आपसे कहता हूं आपको ईश्वर की अपार शांति प्राप्त होगी। जिस शांति को पाने के लिए आप दर दर भटक रहे थे, वह शांति आपको पाप स्वीकार करने से मिलेगी। जब आप पाप को स्वीकार करेंगे, सच्चा पश्चाताप करेंगे, आप देखना आपके परिवार में ईश्वर की बरकत आएगी, आपके जीवन में प्रेम आएगा, आपका परिवार फलेगा फूलेगा और ईश्वर अपने विभिन्न वरदानों से आपके परिवार को ब्लेस करेगा। विश्वास करना।